हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिचाज क्रिएशन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिनी कचौरी की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हम एक बाउल में 2.5 कटोरी मैदा लेंगे। फ्रेंड्स, ये वजन में 250 ग्राम है। इसके बाद हम 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन आप थोड़ा सा पीस कर डालिएगा तो वो बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर 1/2 कटोरी लिया था, जो कि वजन में है 50 ग्राम्स। आज की रेसिपी बनाने का मेरा एक पर्पस है। जिन लोगों से कचौरी अच्छी से नहीं बनती है, फूलती नहीं है, वो मिनी कचौरी भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आप इसे 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं। जैसे हम चपाती का डो बनाते हैं, हमें उसी तरीके से इसका डो बनाना है। फ्रेंड्स, ये कचौरी ग्रीन चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको ग्रीन चटनी बनाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ग्रीन चटनी का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हमारा मसाला बनेगा तब तक हम इसे अलग से रख देंगे एक बाउल में। अब हम हमारा मसाला बनाएंगे कचौरी का। कचौरी का मसाला बनाने के लिए मैंने इसमें मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल को मैंने 2 घंटे पहले सोक करने के लिए पानी में रख दिया था, तो ये 2 घंटे के बाद मैंने इसका पानी निकाल कर इसे ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के टाइम पे आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, मिक्सर को आपको एक साथ नहीं चलाना है, हमें धीरे धीरे करके मिक्सर चलाना है। हमें बिल्कुल इसको ग्राइंड नहीं करना है, हमें इसका दरदरा पेस्ट चाहिए। हम मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने इसमें 2 से 3 स्पून ऑयल डाला है। इसके बाद मैंने इसमें 1/2 टी स्पून जीरा डाला है। जीरा को आप थोड़ा सिकने दीजिए, उसके बाद हम इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ डालने के पहले आप उसको थोड़ा सा कूट लीजिएगा ताकि वो उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। सौंफ डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे सेकेंगे। सेकने के बाद पिंच हमको हींग डालनी है। हींग डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच हरा धनिया डालेंगे। फ्रेंड्स, हरा धनिया डालने के बाद मैंने इसमें बेसन डाला है। मैंने इसमें 2 से 3 स्पून बेसन डाला है। आप 2 से 3 स्पून ही बेसन डालिएगा और इसके बाद हमें इसे अच्छे से सेकना है। फ्रेंड्स, इस मसाले को आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके बाद हम इसमें 1/2 टी स्पून नमक और 1/2 टी स्पून हल्दी डालेंगे। इसे डालने के बाद हमारी जो ग्राइंड की हुई दाल है, वो दाल हम इसमें डालेंगे और आप धीरे धीरे इसको इसमें मिक्स कीजिएगा। थोड़ी ही देर में हमारा सारा मसाला मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमें इसको ड्राई करना है। फ्रेंड्स, ड्राई करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा मसाला बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल हम इसलिए डालेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे चिपकेगा नहीं। अब आती है बारी हमारे मसाले की। मसाले में हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। मैंने इसमें 1.5 रेड चिली पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें 1/2 टीस्पून अमचूर डाला है। अमचूर डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाला है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा नमक और डालना है तो आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। अब मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी से फ्रेंड्स इसमें अलग ही टेस्ट आएगा। हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम हमारे पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के लिए आप छोटे छोटे बॉल्स लीजिएगा, ज़्यादा बड़े बॉल्स मत लीजिएगा, नहीं तो वो अंदर से कच्चे होंगे। अब हम इसमें मसाला भरेंगे। जिस तरह से मैं आपको मसाला भर के बता रही हूँ, आप उसी तरह से मसाला भरिएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इस तरह से आप छोटे छोटे पेड़े बनाकर रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी हम बच्चों को स्कूल में ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि मसाले का हम बहुत यूज़ कर सकते हैं, तो आप मसाले को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप मसाले को पराठे के अंदर भी भर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। मैं इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करूँगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आप लो मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करें। आप देख सकते हैं हमारी कचौरी का कलर कितना अच्छा आया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।